थैंक यू। ये देखो ये, आ जा इधर, आ जा घुस जा, घुस जा अंदर, घुस जा। स्टैन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जय भीम जय महाराष्ट्र। हाजर गरीब असेल ना तो मम्मी भिखारी है। सब लोग देख रहे हैं तो स्टैन को जाके वोट करो क्योंकि विनर होना चाहिए। अपना बंदा है पुणे से, पुणे की शान एमसी स्टैन। काय बोलला भरत भाऊ? गरीब माणसं आम्ही जगतोय। तू आणि गरीब कसे कापायला पैसे नाही, दाढी कापू। तू आणि गरीब? मी आणि गरीब, खूप गरीब आहे। हा जर गरीब असेल ना तर मग मी भिकारी आहे। खरं मी गरीब आहे गरीब आहे। नोकिया घेऊन फिरतोय, एवढी ब्रँडेड गाडी घेऊन। अरे माझी थोडी आहे। अरे बाप, लाईक करा, सबस्क्राइब करा, मी गरीब। व्हाट्सअप ओ क्या बात है, हीरो इज है। हेलो, कैसे हो भाई? ऑल गुड, थैंक यू भाई, सपोर्ट कर रहा हूं। पढ़ो एकदम। अभी कॉलेज में बैठे बैठे ये कर रहे क्या क्या पढ़ाई वढ़ाई? हॅलो एव्हरीवन, मी ऐश्वर्या अनिल म्हणजेच तुमच्या सर्वांची लाडकी आवडी। तर तुमचं स्वागत आहे माझ्या ऑफिशियल युट्यूब चॅनलवर। तर आम्ही हा तुमचं आणि आमचं सगळ्यांचं तिथे स्वागत आहे। तर आता आम्ही आलोय सिल्वर बीचवर वर्सोवा। तर आज काहीतरी व्हिडिओचा प्लॅन चाललेला पाजी आणि आम्ही मस्त एक प्लॅन केलेला व्हिडिओचा। तर फायनली इथे आलोय आणि मस्त आता व्हिडिओज बनवतो खूप सारे वेगवेगळे, काहीतरी डायलॉग्सवाले पण स्टॅनचे पण व्हिडिओज बनवायचे आहेत आज जरा। आणि पाजीला पण टमटम तो डान्सवाला व्हिडिओ बनवायचा आहे। खूप काही आज जरा 4-5 नवीन व्हिडिओ बनवतो कारण एका दिवशी जास्त व्हिडिओ बनवणं होत नाही, एका एकाच व्हिडिओला खूप वेळ लागतो। तो बघा थोडा फिरतो पण आणि व्हिडिओ पण बनवतो। तर शेवटपर्यंत राहा आमच्यासोबत। मेरी बहन मेरे को नारियल पाणी पिलाने लेके जा रही है। चल ना भाई, मैंने कभी नहीं बोला। चलो चलो चलो, इधर में 10 लोग पियेंगे। तू अकेला पी? नहीं नहीं नहीं, तू अकेला पी है पागल? क्या तू अकेला पी? अकेला चूज मी। यू आल्सो देयर? रोहन भाई बिग फैन। अरे सेल्फी मोठ्या माणसाचं। अरे अक्का व्हिडिओ आला तर सेल्फी काय मागतो? कोण मोठा माणूस? हा ये बड़ा आदमी, ये चश्मा नीट होत नाही, बड़ा माणूस कसला। ये देखो आज पाजी क्या हो गया, फुल टक्का। पाजी मराठी में कुछ बोल दो। जय महाराष्ट्र, जय भीम जय महाराष्ट्र। ओ तो पाजी सीख रहे डांस और आज के कोरियोग्राफर है रोहन सर। उठन जी टाउन बेबी। ये जो भी पी रहा दीदी गलत पी रहा है, ये नहीं पीना चाहिए। ये क्या बोले? ये नहीं पीना चाहिए, कैफीन इतना इंटेक नहीं करना चाहिए रोहन भाई को। रोहन भाई ये रेड बुल स्टिंग पीते रहते पूरा टाइम। अभी नहीं, आज कितने दिन के बाद पी रहे हो? अच्छा 2 दिन के बाद। गाली कभी खाने वाले हो? अभी हम लोग के सामने तो गाली नहीं पड़ी, अकेले में गाली पड़ेगी कि नहीं? अकेले में उसको इतना मार पड़ेगा, वो मेरी बहन ही जानती है उसको कितना मार पड़ेगा। गाइस तो मैं अभी स्टैन का वीडियो बनाने वाली हूँ एक, तो अभी स्टैन का वीडियो बनाती हूँ। पर उससे पहले ये जान लेती हूँ कि हमारे बीच में स्टैन का फैन कौन है और क्यों स्टैन का फैन है। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी स्टार बॉय को, हमारे हर्ष भाई को, कि तुला स्टैन का आवडतो? स्टैन आवडतो असा काही रिझन नाही, स्टॅनला खूप म्हणजे ॲज अन रॅपर बोल, ॲज अन पर्सन बोल, तो वेगळ्या लेवलवर आहे। आणि आजच्या एजमध्ये 19 वर्षात एवढं सगळं घडवणं छोटी गोष्ट नसते। बाकीच्या कम्पेअर टू सगळ्या रॅपर्सला बघू तर तो आजच्या डेटमध्ये मुंबईमध्ये सगळ्यात जास्त हाईप आर्टिस्ट आहे। स्टॅन फॅन होते। सो वोटिंग स्टॅन केली आहे? केली एव्हरी टाइम, जेवढा टाइम तो नॉमिनेट झाला तेवढा टाइम वोट केला। ओ स्टॅन भाई अपना पी टाउन तूने मचा दिया है। सो हर्ष बॉय का तो देख लिया हमने क्या बोला उन्होंने, और भी 3-4 लोग हैं हमारे साथ। और सबसे एंड में तो मैं भी बताऊंगी कि मैं स्टैन की फैन हूँ या नहीं हूँ। सो देखते कंटिन्यू। पानी वाला नारियल है ना? पानी वाला भी है, मलाई वाला भी है। पानी वाला नारियल ले, देख तू देना। ओए किती नारियल पानी तुम्ही दोगे घेणार का? खाली ओनली पानी चाहिए। कितने का भाई? 60 रुपए का एक। इतना महंगा हो गया? इतना कब से मिल रहा है? कहाँ टुकड़ टुकड़ देखा तो
मलाई को कैसे खा रहे हो मलाई हाथ से मोमोज वाला देख के तुम इधर नहल पानी पी रहे हो अभी क्या करूं तेरे एक खाती है भाई ये भी लच्छी दिख रहा है लेकिन भाई रुको रुको मत करो अंकल अरे काट दिया तो उन्होंने मैं तो नहीं पीना हर्ष आलू हां हर्ष को दे दो वो आएगा ए अरे काट दिया उन्होंने अभी नहीं मालूम नको काट दे काजी से हेलो टू माय पब्लिक हेलो टू माय पब्लिक आने पाइलस नहीं को चालू है अबे चोरतिया चल नारियल पानी फ्रेंड ए ब्रो चोर एक नंबर का नहीं रे बाबा व्लॉग है हां व्लॉग है मन तो मन ली अरे यार माफ करे माफ करो छुट्टी जाते क्या जाते कल वक्ते बघा फटाफट दुकान मांडे ठंडे कर बस बस कुत्रा है माझा बाबा काय करना जय जय की बहन आहे तर काय करावे हा ना नाही सारखे बहन असं तर बहिणीले येडतच काढायचं सुधारण्या चाललंय गरीब आहे बहिण मग अरे बस कर हे बघा या हर्षनी काय केले टाइम धक्का देईल टाइम ए टाउन औरंगाबाद नाही रे बाबा आम्ही बी टाउनचे लोक आहे तू पुण्याची हिंदी पी टाउन पाजी पंजाब मगाशी यांनी सांगितलं की याला एमसी स्टॅन का आवडतो रोहन इकडे आता मी तुला विचारेल की तुला एमसी स्टॅन का आवडतो कमेंट इथे सांग ब्लॉग मध्ये आवडतो ना आपण त्याला फील करतो हो फॅन मत बनो फील करो तो तू एमसी स्टॅन को फील करता है यस बहुत पावर से बट क्यों पसंद है तुझे वो किस चीज की वजह से अपन उसका फैन 30 पार सॉन्ग से बहुत ज्यादा हो गया पहले से था उसके बाद उसने डाला एल्बम फिर उसमें 30 पार हाथ त्योहार ये पी टाउन बेबी आता रोहन तर सांगितलं आता इकडे सुहास दादा आहे दादा बता दे एक बार इकडे अभी बता तुला का आवडतो एमसी स्टॅन के गाने मेरे को बहुत पसंद है अच्छा और उसके गाने अक्से मतलब दिल को छू जाते डायरेक्ट ओ पी टाउन मतलब वोट तो तुम दोनों का एमसी स्टैंड को ही जाएगा yes. तुमको लगता है ऐसे विनर होना चाहिए तुम भी जाके एमसी स्टैंड को वोट करो यस गाइस सब लोग देख रहे हो तो स्टैंड को जाके वोट करो क्योंकि विनर होना चाहिए अपना बंदा है पुणे से शुरू कर देख कर रहे सब बोल हाय निकल पागल औरत औरत नहीं आदमी अंकल हंस रहे सो गाइस अभी सबने तो बताया बहुत अच्छा है मेरे क्या हुआ कमेंट्री बहुत अच्छा है आपका अच्छा थैंक यू मुझे ऐसा ही रहना पसंद है सब हंसते हैं ना तो अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है खुशियाँ होना चाहिए हाँ आपका जो कमेंट्री है हमेशा खुशियाँ लगा यानी टेंशन दूर ऐसा है आपका तो बहुत सारे लोगों को ये सुनना है स्टार्टिंग से कि ऐश्वर्या को एमसी स्टैंड पसंद है या नहीं नहीं तो पहले ऐसा था कि एमसी स्टैन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मतलब मेरा ऐसा था क्योंकि मैं जब भी वीडियो देखती थी ऐसा लगता था क्या यार ये बंदा हमेशा गाली देता रहता है अपने पुणे से था ये तो पता था मुझे बट ऐसा लगता था कि यार मतलब भाई बंदा अच्छा है पर गाली क्यों देता है इतने अच्छी वीडियो बना के भी उसके बाद थोड़ी दिन में बहुत उसका ज़्यादा ही ट्रेंड आया तो वो ट्रेंड मुझे मतलब रोहन और शिवम दादा इन दोनों ने मुझे बोला और चेतन ने कि हम लोग एक ट्रिप पे गए थे तो उन्होंने स्टैंड की सब गाने मुझे सुनाए तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि यार हाँ मतलब जो भी है बंदा सही बोलता है गलत कुछ नहीं बोलता है गाली देता है तो लोग वैसे है इसलिए वो उनको गाली देता है और जो नहीं है उनके लिए वो अच्छा भी बोलता है तो स्टैंड को जब मैंने फील किया तो वो बात तभी थी कि जब वो मुझे फील हुआ जब वो बिग बॉस में आया बिकॉज गाली देता है ऐसे गाने बनाता है वैसे गाने बनाता है वो तो बाहर की बात रही बट जब वो बिग बॉस के अंदर आया तभी वो समझ में आया कि असली इंसानियत स्टैंड में है और असली और रियल बंदा है वो तो मतलब बिग बॉस का विनर होना चाहिए ऐसे मुझे तो लगता है क्योंकि हमारे पी टाउन से है और बहुत सारा प्यार है हमारे पुणे से पुणे की शान एमसी स्टैंड सर बहुत सारा प्यार भाई आपके लिए बहुत सारा प्यार और जीत के आना तो हम सबका वोटिंग आपके लिए रहेगा और गाइज बहुत सारा प्यार दे रहे हो एमसी स्टैंड को हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है स्टैन भाई सॉरी कि पहले आपके गाने अच्छे नहीं लगते थे और अभी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि अभी तो बहुत मतलब जो समझ लिया आपको तो बहुत सारा समझ लिया कि सच में जो है जो रियल बात बोलता है वो इंसान
सच्चाई होता है, और जो इतने अच्छे मन से आप सबके साथ पेश आ रहे हो, जैसे भी मतलब बिग बॉस के अंदर भी और बाहर भी लोगों को, फैन को इतना सारा प्यार देते हो, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि बताए नहीं भाई। ऑल द बेस्ट एंड बहुत आगे जाओ, ऐसे रैप सॉन्ग बनाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, हमारा इतना तक व्लॉग देखने के लिए पूरा, अभी मैं व्लॉग एंड करूंगी यहीं पे, तो बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही लाइक करो, शेयर करो और बहुत सारा प्यार दो पी टाउन को, सैन को, मुझे और सबको बहुत सारा प्यार दो। और थैंक यू सो मच गाइज, टैलेंट को सपोर्ट करो, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ हर एक व्लॉग में, मैं वही बोलती हूँ कि जो आर्टिस्ट है, जो जिसके पास टैलेंट है, उनको सपोर्ट करो और बहुत सारा प्यार दो। थैंक यू। ये देखो, ये आ जा इधर, आ जा, घुस जा अंदर, घुस जा, बंद करते आता कैमरा।